हेलो एवरीवन, तुहाडे सारिआं दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरु जी ते। उम्मीद है तुसी सारे चंगे होंगे। दोस्तों, अज दी क्लास नूं शुरू करदे हाँ। अपना फस्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द दसो। तुसी इन्हां चार ऑप्शनां दे विच्चों शुद्ध शब्द दसना है। उस तों बाद मैं तुहानूं राइट आंसर जिहड़ा है दसांगा, ते अंत विच तुसी कमेंट दे विच मैनूं इह जरूर दस के जाइओ कि अज दे टेस्ट विच तुहाडे किन्ने नंबर बणे। तो दोस्तों, एक गल मैं होर कहनी चाहवांगा, तुहानू वीडियो नूं तुसी दोस्तां नाल शेयर जरूर करिया करो। इस नाल सानू मोटिवेशन मिलता है तां जो असी अगे वीडियो होर लेके आ सकीए। शुरू करदे हाँ अज दी क्लास नूं। अपना फस्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द दसो। चार ऑप्शन तुहाडे कोल ने। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर ए, बहुटी। आ जिहड़ा है जी ऑप्शन ए, ये बिल्कुल करैक्ट है जी। वोटी का जिहड़ा शुद्ध रूप है जी, इसनों एवें ही पंजाबी विच शुद्ध लिखिया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक दसो। इन्हां चार ऑप्शनों के विचों तुसी शुद्ध वाक दसना है जी। इसका करैक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर सी, असीं सब कुछ जाणदे हाँ। ये बिल्कुल शुद्ध वाक है जी। इस तों इलावा जिहड़े तीन ऑप्शन दिए गए ने, ये अशुद्ध वाक है ने। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द दसो। इन्हां विचों तुसी शुद्ध शब्द दसना है जी केड़ा है। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, नौवां। नौवां जिहड़ा है जी, ये बिल्कुल सही लिखिया गया जी पंजाबी दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हाँ। जेकर दोस्तों वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नूं लाइक कर दिओ, तो अपने दोस्तों नाल एक बारी वीडियो नो शेयर जरूर करो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा कु थोड़ा, 3 किलो, विशेषण दी केड़ी किस्म है। तुसी दसना है कि जरा कु थोड़ा, 3 किलो, विशेषण दी केड़ी किस्म विच आउंदा है। चार ऑप्शन तुहाडे कोल ने। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर सी, प्रमाणवाचक। ये कि विशेषण है जी, ये है प्रमाणवाचक। जराकु थोड़ा, 3 किलो, ये है प्रमाणवाचक विशेषण। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जेड़ा जिस पड़नाम की केड़ी किस्म है। तुसी दसना है कि जो जेड़ा जिस पड़नाम की केड़ी किस्म विच आउंदा है। चार ऑप्शन तुहाडे कोल हैगे ने। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर ए, यानी संबंधवाचक। जो जेड़ा जिस, ए पड़नाव दियां संबंधवाचक जिहड़ियां किस्मां ने उहदे विच आउंदा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दर्जी कपड़े सोहणे सिउंदा है। दर्जी कपड़े सोहणे सिउंदा है, इस विच क्रिया विशेषण की है, ये तुसीं दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, सोहणे। हुण ये सोहणे जिहड़ा है जी, ये क्रिया तो पहला आया है, तो क्रिया की की दस रहा है, विशेषता दस रहा है कि दर्जी कपड़े सोहणे सिउंदा है। तो इस दे विच की हो जाएगा अपने कोल क्रिया विशेषण की हो जाएगा, सोहणे। हुण क्रिया विशेषण तुहानूं पता होना चाहिए, जोड़ा क्रिया की विशेषता दसे उसनूं कहिंदे ने क्रिया विशेषण। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुवाचक नाव चुनो। तुसी इन्हां विचों वस्तुवाचक नाव चुनना है जी। ऑप्शन नंबर ए जिहड़ा है जी करैक्ट है, सोना, चांदी, कपड़ा। ये की है ने वस्तुवाचक नाव है ने। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ। दोस्तों, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ने जिन्हां दे रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहिंदे ने पंजाब दे एग्जाम दे लई। सो ये इस करके वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हाँ, सारे देशवासियों नूं आपस विच जोड़दी है। सारे देशवासियों नूं आपस विच जोड़दी है, इस विच तुसी करैक्ट आंसर देखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करैक्ट आंसर है जी, राष्ट्रीय भाषा। सारे देशवासियों नूं आपस विच कौन जोड़दी है जी? राष्ट्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हाँ, जम्मू उधमपुर इलाके विच बोली जाण वाली पंजाबी दी उपभाषा है।
यानी जम्मू उधमपुर इलाके विच बोली जाने वाली उपभाषा केड़ी है, ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी डोगरी। डोगरी जिहड़ी है जी वो जम्मू विच बोली जाती है, या फिर आप कह सकते हैं जम्मू या उधमपुर इलाका जिहड़ा है जी उहदे विच भी डोगरी बोली जाती है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जिन्हां नियमां द्वारा किसी भाषा का सही ज्ञान प्राप्त हुंदा है कहिंदे हन, यानी वो नियमां नूं की कहिंदे हन जिस द्वारा किसी भाषा का सही ज्ञान प्राप्त हुंदा है, ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। उन्हां नियमां नूं की कहिंदे ने दोस्तों, व्याकरण कहिंदे ने। नैक्सट क्वेश्चन अपना, जिन्हां शब्दां का कोई ना कोई अर्थ होवे कहिंदे हन, यानी वो शब्द जिन्हां का कोई अर्थ होवे उन्हां नूं की कहिंदे ने, ये तुसी दसना है। चार ऑप्शन तुहाडे कोल हैगे ने। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर बी सार्थक शब्द, यानी जिन्हां शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हां नूं की कहा जाता है, सार्थक शब्द। अपना नैक्सट क्वेश्चन है शुद्ध दसो, तुसी इन्हां विचों शुद्ध शब्द दसना है भी किहड़ा हैगा। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार। शुक्रवार जिहड़ा है जी ये बिल्कुल सही लिखा गया है। इस तो इलावा जिहड़े तीन ऑप्शन दिए गए ने वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी जिहड़ा है जी अपना करेक्ट आंसर है। इन्हां नूं जिन्ने भी वार हैगे ने इन्हां नूं तुसी हत्थ तों 5-10 वार लिख के वेखना है, जिस नाल ये तुहानूं चंगी तरह याद हो जाण, क्योंकि ये तुहाडे सिलेबस विच दिता गया है कि दिनां दे नाम तों एक क्वेश्चन जिहड़ा है तुहानूं एग्जाम दे विच पुछिया जाएगा। दिन हो गए एक तो लेके 100 तिकन जिहड़ियां संख्यावां ने इन्हां दे, इन्हां नूं तुसी पंजाबी विच लिख के वेखना है। ये क्वेश्चन तुहानूं जिहड़े ने एग्जाम विच जरूर पुछे जाणगे, ये तुसी ध्यान रखना है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, अपना नैक्सट क्वेश्चन है शुद्ध दसो। चार ऑप्शन तुहाडे कोल दिए गए ने, इसका करेक्ट आंसर है जी इन्हां विचों कोई नहीं, इन्हां विचों जिहड़ा है जी कोई भी शुद्ध नहीं हैगा। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ जी, पंजाबी भोजन दसो, इन्हां विचों तुसीं दसना है कि किहड़ा पंजाबी भोजन हैगा। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी सरों का साग लस्सी सत्तू। ये की हैगा जी, एक पंजाबी भोजन हैगा सरों का साग ते लस्सी ते सत्तू। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी अमृतसर शहर किसने वसाया। अमृतसर शहर जिहड़ा है जी वो किसने वसाया सी, ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर सी गुरु रामदास जी। इस करके गुरु रामदास जी के नाते ही पहला अमृतसर नूं रामदासपुर कहा जाता सी। इस तो इलावा इस नूं गुरु का चक भी कहा जाता है, तो शिफ्ती का घर भी अमृतसर नूं कहा जाता है, ये तुसी ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम दे विच पूछे गए हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, अपना नैक्सट क्वेश्चन है कन्ना दे गहने केड़े हन। तुसी दसना है कि इन्हां चार ऑप्शनां विचों केड़े जिहड़े हैगे ने कन्ना दे गहने हैगे ने। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी कांटे लोटन मुरकियां, ये सारे की हैगे ने कन्ना दे गहने हैगे ने। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी सही दसो, इन्हां चार ऑप्शनां दे विचों तुसी दसना है कि केड़ा वाक सही हैगा। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी सारी। ये सारे ही वाक जिहड़े ने पंजाबी विच बिल्कुल सही लिखे गए ने। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी विसाखी का त्यौहार संबंधित है। तुसी दसना है कि इन्हां चार ऑप्शनां दे विच विसाखी का जिहड़ा त्यौहार है जी वह किस नाल संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर ए कणक की फसल नाल, यानी विसाखी का जिहड़ा त्यौहार है जी वह किहदे नाल संबंधित है, कणक की फसल नाल। जदों कणक की फसल कटनी शुरू करते हैं उस समय जिहड़ा है विसाखी का त्यौहार मनाया जाता है।
यानी कणक पक्कण की खुशी के जड़ा है विसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, ये तुसी याद रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूं की काने उत्ते वट्टी गोल छली नू की कहिंदे हन। रूं की काने उत्ते जिहड़ी गोल वट्टी हुई छली नू की कहिंदे ने, ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर बी पूनी। उसनू की कहिंदे ने पूनी, जिन्हां दे घरां विच चरखा कतदे ने उन्हां नू ए जिहड़ा है उन्हां ने ये वेखी होणगी, या फिर तुसी नेट दे उत्ते इन्हां नू वेख सकदे हो जिन्हां ने ये पहला नहीं वेखी हुई। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हाँ की हुंदा है दोस्तों, जदों तुसी किसी का पिक्टोरियल व्यू वेख लेंदे हो उस तो बाद उस जिहड़ी चीज़ है तुहानू लंबे समय तक याद रहिंदी है, इस करके मैं तुहानू कहा है कि ये जिहड़ी पूनी है जी इहनू तुसी जरूर नेट के उत्ते सर्च करके वेखना है, जिस नाल ये क्वेश्चन जे अगे आता है तो तुहानू चंगी तरह याद हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूह दे पानी नू पहली तक ले जाण लई बनाई कच्ची खाली नू की कहिंदे ने। ये भी क्वेश्चन जेडे बच्चे खेतों विच काम करते ने उन्हां नू आम पता होएगा। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी आड। उसनू की कहिंदे ने आड, क्योंकि जिन्हां बच्चों ने खेतों विच काम किया है उन्हां पता होएगा कि घर दे कहिंदे ने जा भी आड सवार के आ, इस तरह तुसी सुनिया होएगा पिंडां दे विच खास करके। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हाँ, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखियां विच्चों केड़ा शब्द उर्दू भाषा का नहीं है। तुसी दसना है कि इन्हां विच्चों केड़ा शब्द जिहड़ा है जी उर्दू भाषा का नहीं है। उर्दू भाषा नाल भी काफ़ी जिहड़े एग्जाम दे विच हुण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि केड़ा शब्द जिहड़ा है जी उर्दू भाषा का नहीं है या केड़ा शब्द फारसी भाषा का है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इन्हां दे उत्ते भी आपां एक वीडियो लेके आवांगे। सो अज दा क्वेश्चन विच तुसी दसो इसका राइट आंसर की होएगा। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी भरपूरता। भरपूरता जिहड़ा है जी ये उर्दू भाषा का शब्द नहीं है। इस तो इलावा बाकी जिहड़े तीन शब्द दिए गए ने ये उर्दू भाषा के शब्द हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, प्रेस शब्द का समानार्थी है। तुसी दसना है कि प्रेस शब्द का समानार्थिक शब्द केड़ा है। चार ऑप्शन तुहाडे कोल ने, इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर सी छापाखाना। की है जी छापाखाना, प्रेस का समानार्थिक शब्द की हैगा जी इत्थे छापाखाना, क्योंकि पहला जदों आपां पुरानी हिस्टरी पढ़ते हाँ जी उस दे विच क्वेश्चन आउंदे ने कि फलाना छापाखाना कदों खोलिया गया सी, ये तुसी सुनिया होएगा हिस्टरी दे विच। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हाँ, जात दी कोहड़ किरली देस नू जफे, अखाण विच केड़ा शब्द वरतिया जाएगा। चार ऑप्शन तुहाडे कोल ने, तुसी दसना है कि इस अखाण नू केड़ा शब्द पूरा करता है। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी जात दी कोहड़ किरली स्तीरा नू जफे। की है जी, जात दी कोहड़ किरली स्तीरा नू जफे, ए जिहड़ा है जी ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी शुद्ध वाक दसो। तुसी इन चार वाकों के विचों शुद्ध वाक दसना है भी शुद्ध वाक केड़ा है। इसका करैक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर ए मैनू कविता जबानी याद है। की है जी, मैनू कविता जबानी याद है, ये इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, जपजी साहिब बाणी दियां किन्नियां पौड़ियां हन। तुसी दसना है कि जपजी साहिब बाणी दियां किन्नियां पौड़ियां हैगियां ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी 38। किन्नियां पौड़ियां हैगियां ने जी, 38 पौड़ियां हैगियां ने जपजी साहिब दियां। इस तो इलावा तुसी मैनूं कमेंट बॉक्स विच दसो कि जपजी साहिब जिहड़ी बाणी है जी वह कौन से गुरु की है।
नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्दों के किन्ने भेद हैं? तुसी दसना है कि प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्दों के जिहड़े ने किन्ने भेद हैगे ने। चार ऑप्शन तुहाडे कोल हैगे ने। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी 8। प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्दों के किन्ने भेद हैगे ने दोस्तों? 8। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ दोस्तों। मैं तुहानू पहला भी कहा है कि जिहड़े क्वेश्चन तुहानू इस वीडियो दे विच नहीं आ रहे उन्हां नू तुसी वक्खरा एक कॉपी दे उत्ते नोट करते जाना है ते उन्हां दी ही तुसी वार वार रिविजन करनी है तां जो वह क्वेश्चन तुहानू चंगी तरह पक्के हो जाण, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तुहानू आंदे ने वह तुसी ईजी आराम नाल तुसी जिहड़ा है एग्जाम दे विच सोल्व कर पाओगे, लेकिन जिहड़े क्वेश्चन तुहानू नहीं आउंदे उन्हां नू तुसी पक्के कर लेना है तां जो तुसी उन्हां नू वी एग्जाम दे विच सोल्व कर पाओ, ता ही तुसी चंगे नंबर लेके एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ अपना। नैक्सट क्वेश्चन है मझियां चारण वाली साखी का संबंध किस नाल है? मझियां चारण वाली साखी का संबंध किस नाल है? ये तुसी दसना है। चार ऑप्शन तुहाडे कोल हैगे ने। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव जी। मझियां चारण वाली साखी का संबंध किस नाल है जी? गुरु नानक देव जी नाल। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, गुरु नानक देव जी ने किथे दे मोदीखाने विच नौकरी की? गुरु नानक देव जी ने किथे दे मोदीखाने विच नौकरी की सी? ये तुसी दसना है। चार ऑप्शन तुहाडे कोल हैगे ने। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी सुल्तानपुर लोधी। गुरु नानक देव जी ने सुल्तानपुर लोधी विच जिहड़ा है मोदीखाने विच नौकरी की सी। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, भाई लहणा जी किस गुरु साहिब का पहला नाँ सी? भाई लहणा जी किस गुरु का पहला नाँ सी या मुढ़ला नाँ सी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चार ऑप्शन तुहाडे कोल हैगे ने। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी का पहला नाँ की हैगा सी जी? भाई लहणा। इस तो बाद गुरु नानक देव जी ने इन्हों का नाँ की रखता सी? अंगद देव। उन्होंने कहा सी कि ये मेरे अंग हैगे ने। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा का कहना किस दी रचना है? चार ऑप्शन तुहाडे कोल हैगे ने। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी गुरु गोबिंद सिंह जी। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा का कहना ये किस दी रचना है जी? ये है जी गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, किस मुगल बादशाह ने गुरु अर्जन देव जी नू तत्ती तवी ते बिठाण दा हुक्म दिता? वो केड़ा मुगल बादशाह सी जिसने गुरु औरंगजेब जी नू तत्ती तवी ते बिठाण दा हुक्म दिता सी? चार ऑप्शन ने तुहाडे कोल, करैक्ट आंसर की चोण करो। इसका करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी नू तत्ती तवी ते बिठाउण दा हुक्म दिता सी। हुण तुसी ये दसना है कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी कदों हुई सी? ये तुसी मैनू कमेंट बॉक्स भी दसना है। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के भोग की समाप्ति समय किस गुरु साहिब के श्लोक पढ़े जाते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की भोग की जदों समाप्ति होंदी है जी उस समय किस गुरु साहिब के श्लोक पढ़े जाते हैं? ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए गुरु तेग बहादुर जी। ये दोस्तों तुसी याद रखना है, जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू होता है तो गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़ी जाती है जी, तो जदों पाठ का भोग पैंदा है यानी समाप्ति होंदी है उस समय गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक पढ़े जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ अपना। नैक्सट क्वेश्चन है, गुरु गोबिंद सिंह जी दिया रचनावां केड़ियां हन? तुहाडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी जपू साहिब, जफरनामा, चंडी दी वार। ये किहदियां रचनावां ने? ये गुरु गोबिंद सिंह जी दिया रचनावां ने। ये दोस्तों इत्थे जपू साहिब लिखिया है, इसे ही तरह जिहड़ी जपू जी साहिब जिहड़ी है जी बाणी ये किहदी है?
यह है जी गुरु नानक देव जी। इस ये तुसी कन्फ्यूज नहीं होना, जप्पू जी जी साहिब है जी वह गुरु नानक देव जी की है, जप्पू साहिब जी है जी वह कि है गुरु गोबिंद सिंह जी की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जेड़े चिन्ह ठहराव जा अटक नू प्रगटाउंदे हन उन्हां नू की कहिंदे ने, ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी विश्राम चिन्ह, उन्हां नू की कहिंदे ने विश्राम चिन्ह। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हाँ, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जज्बाती भावनावां नू प्रगट करन वाले शब्दां वाकांशां पिछों किहड़े विश्राम चिन्ह की वरतों की जाती है, ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर बी विस्मिक चिन्ह, कि वरतों की जाती है जी विस्मिक चिन्ह की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है परदादा विच केड़ा अगेतर वरत्या है, ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर ए पढ़, क्योंकि दादा अपने आप में पूरा कंप्लीट शब्द है दी, ये अगे की लाया हुआ है पढ़ लाया हुआ है, तो की बन गया पढ़ दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा विच अगेतर है, तुसी दसना है कि परमात्मा दे विच केड़ा अगेतर वरत्या गया है। इसका करेक्ट आंसर है जी अपने कोल परम, ऑप्शन नंबर सी परम जिहड़ा है जी परमात्मा विच अगेतर केड़ा वरत्या गया है परम, ये तुसी याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन ही जिहड़े ने एग्जाम दे विच गलत होंदे ने, सो इन्हां नूं तुसी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कुराहट विच पिछेत्र है, तुसी दसना है कि मुस्कुराहट जिहड़ा शब्द है जी उहदे विच पिछेत्र किहड़ा वरत्या गया है। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर ए आहट, मुस्कुराहट दे विच किहड़ा वरत्या गया जी आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखदे हाँ, विस्थार का विरोधी शब्द है, तुसी दसना है कि विस्थार का विरोधी शब्द किहड़ा है जी। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर ए संखेप, विस्थार का विरोधी शब्द की है जी संखेप। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी का समानार्थी है, तुसी दसना है कि इन चार ऑप्शनों के विचों खुशी का समानार्थिक शब्द केड़ा है। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर बी खेड़ा, खुशी का समानार्थी शब्द की है जी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धा का समानार्थी है, श्रद्धा का समानार्थी तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल आस्था, श्रद्धा का समानार्थी की है दोस्तों आस्था, इतने श्रद्धा वो श्रद्धा कपूर नहीं हैगी, इतने शब्द है जी पंजाबी का श्रद्धा, इसका की है जी अपने कोल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हाँ, आकड़ का विरोधी शब्द है, तुसी दसना है कि आकड़ का विरोधी शब्द केड़ा हैगा है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्रता, आकड़ का विरोधी शब्द की है जी निम्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याली पुलाव पकाने मुहावरे तो भाव है, तुसी दसना है कि ख्याली पुलाव पकाने मुहावरे तो की भाव है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल तजवीज़ा बनाउनिया, की हैगा जी केवल तजवीज़ा बनाउनिया ख्याली पुलाव पकाने मुहावरे का अर्थ हैगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेफिक्र होने लई केड़ा मुहावरा वरत्या जाता है, बेफिक्र होने लई केड़ा मुहावरा वरत्या जाता है, ये तुसी दसना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चादर ताण के सोना, की हैगा दोस्तों चादर ताण के सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हाँ, खाली स्थान भरो घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी देस, ये कहानी तुसी आम ही घर सुनिया होना,
इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने कोल ऑप्शन नंबर ए सिद्ध। घर दा जोगी जोगड़ा, बाहर दा जोगी सिद्ध। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ। अपना नैक्सट क्वेश्चन है, जदों कोई व्यक्ति सुख विच बिताए दिनों नू याद करता है, तुसी चार ऑप्शनां दे विचों करैक्ट आंसर की चोण करनी है। ऑप्शन सी जिहड़ा है जी अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा, ओ माँ मर गई जिहड़ी दही मक्खण नाल टुक दिंदी सी। ए इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हाँ, किस शब्द नू कन्ना लगन ते लिंग परिवर्तन हो जाता है। तुसी दसना है कि केड़ा शब्द है जिसनों कन्ना लगन ते लिंग परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन चार तुहाडे कोल दित्ते हुए ने, इस दे विच करेक्ट आंसर हो जाएगा गायक, क्योंकि गायिका जिहड़ी है इहदे नाल आपां कन्ना ला देंदे हाँ तो यह की बन जाता है गायिका, तो इहदा गायक का जदों आपां लिंग बदलते हाँ तो की हुंदा है गायिका, यानी लिंग परिवर्तन हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा अपने कोल, केड़ा शब्द इस्त्री लिंग नहीं है। तुसी दसना है कि इन्हां विचों केड़ा जिहड़ा है जी शब्द इस्त्री लिंग नहीं है। चार ऑप्शन तुहाडे कोल दित्ते हुए ने, इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर बी जवाई। जवाई जिहड़ा है जी इस शब्द का इस्त्री लिंग नहीं है। अपना नैक्सट क्वेश्चन है, किहड़े शब्द का बहुवचन वां दी वरतों करन नाल बनता है। इन्हां चार ऑप्शनां दे विचों केड़ा शब्द है जिहदा वां दी वरतों करन नाल बहुवचन बन जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अपने कोल ऑप्शन नंबर ए कविता, क्योंकि कविता का जिहड़ा बहुवचन हुंदा है जी कवितावां, तां पिछे वां जे आपां इहदे ला दिंदे हाँ तां इहदा की हो जाता है बहुवचन बन जाता है। अपना नैक्सट क्वेश्चन है, किहड़े शब्द बहुवचन रूप विच एक वचन ही वरते जाते हैं। यह तुसी दसना है, चार ऑप्शन तुहाडे कोल हैगे ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आदर सूचक। की है जी आदर सूचक जिहड़ा है वह शब्द है जिहड़ा बहुवचन रूप विच एक वचन ही वरतिया जाता है। जेकर दोस्तों तुहानू वीडियो चंगी लगी हुई तो वीडियो नू लाइक कर दिओ, तो अपने दोस्तों के नाल वीडियो जरूर शेयर करो ता जो सानू मोटिवेशन मिले तो अगे असी वीडियो लेके आ सकीए। तो इस तो इलावा जेकर तुसी डेली दी वीडियो वेखना चाहते हो तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो ता जो तुहानू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो से, तब तक लई टेक केयर।